मेरे भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो आपके लिए बहुत खास और हेल्पफुल होने वाली है। बाकी आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। जो ये वीडियो मैं आज लेकर आ रहा हूँ, इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन के बारे में, क्या क्या मैंने इसमें पार्ट लगवाए हुए हैं और कहाँ से लगवाए। तो भाइयों, आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने आज सुबह अपनी बाइक फॉर्म वॉश कराई है उसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए मैंने, पहले आप उनको एंजॉय करो, फिर आगे दिखाते हैं आपको कि क्या क्या हमने मॉडिफिकेशन कराया। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अब मैं आपको वन बाय वन एक एक पार्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या मैंने इसमें लगवाया हुआ है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने वाइज़र की। इसे कहते हैं डबल बबल वाइज़र। डबल बबल वाइज़र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये दो तरह के कर्व दिए हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, इसलिए इसको डबल बबल वाइज़र कहते हैं। और जो स्टॉक वाइज़र आता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें ट्रांसपेरेंट वाला होता है। ये स्मोक ब्लैक है और इसको लगाने के बाद बाइक की लुक भी काफ़ी अच्छी आती है, जो आप देख सकते हो। और स्टॉक वाला जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ये काफ़ी लंबा है। और आगे से भी दिखा देता हूँ आपको लुक कैसी आती है इसकी। तो अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट जो मैंने इसमें लगवाया हुआ है, यह है विंडलेट। विंडलेट भी ये दो तरह के आते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। हमने जो लगवाया हुआ है वो बड़ा है, छोटा वाला आता है वो सिर्फ इतना होता है और ये बड़ा है। इसमें जो साइड के फेयरिंग हैं वो भी कवर हो जाते हैं और लुक बहुत प्यारी आती है, देख सकते हो आप कितनी प्यारी लुक आ रही है। और ये जो दोनों पार्ट हैं इनको लगाने के बाद जो फ्रंट की लुक है वो बहुत ही बेहतरीन लुक दिखती है। देखो कितनी लंबी दिख रही है बाइक, और नॉर्मल वाली देखोगे तो उसमें मज़ा नहीं आता और इसमें देखने में बहुत फ़र्क लगता है, ऐसा लगता है कोई सुपर बाइक है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट की। जो मैंने लगवाया हुआ है वो है लीवर गार्ड, और ये लीवर गार्ड काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी, कार्बन फिनिश है इसमें। और भी काफ़ी दिखाए थे लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि ये मेरी बाइक के साथ भी मैच कर रहा था, ब्लू है और वैसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। और इसको लगाने के बाद जो बाइक की लुक आती है, हैंडल जो काफ़ी चौड़ा दिखता है, आगे से भी देखो फ्रंट काफ़ी अच्छा लगता है। और लुक की बात करें तो लुक आप देख सकते हो कि पीछे से भी हैंडल कितना वाइड दिख रहा है। और साइड से दिखाता हूँ इसको, ये देखो साइड से, मतलब हैंडल की काफ़ी अच्छी लुक हो जाती है, लुक ही चेंज कर देती है बिल्कुल। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान की। फ़ायदे पहले ये बता देता हूँ कि कभी भी अगर आपकी बाइक गिरती है तो जो आपके ये लीवर गार्ड है ये
कभी टूटेंगे नहीं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं ये। और नुकसान इसका ये है कि ये समय समय पर लूज़ होते रहते हैं। लूज़ होने से मैं भी एक बार बच गया, एक्सीडेंट होते होते बचा है मेरा। ये लूज़ होकर बिल्कुल यहाँ आ गया था, यहाँ आकर ये फंस गया, जिससे मेरा हैंडल जो है वो लॉक हो गया था। वो तो शुक्र है कि मैं स्लो था और घर से निकला ही था तभी एकदम से हादसा हुआ तो मैं बच गया, वरना अगर हाईवे पे होता तो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हो सकता था मेरे साथ। ये देखने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ को लगवा रहे हो तो इसको टाइम टू टाइम आप इसके जो यहाँ से दिया हुआ है ये नट, ये एलन की से टाइट होता है, इसको टाइम टू टाइम टाइट करते रहें। ये अभी भी देखो लूज़ हो रहा है, ये देखो हिल रहा है, ये देखो अभी मैं भूल गया इसको, मुझे भी अभी टाइट करना है, तो इसको टाइम टू टाइम करते रहें अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपने चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट जो मैंने इसमें लगवाया हुआ है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर ये देखने में तो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी बंदे जो लगवाते हैं वो सिर्फ मैंने काफ़ी देखे हैं जो मोटरसाइकिल में इसमें अपनी R15 में वो यहाँ पर चिपका हुआ वाला लगवाते हैं, ट्रायंगल टाइप में होता है वो पर काफ़ी लंबा चलता नहीं है क्योंकि जो गर्मी में भी जो उसकी 3M की टेप होती है वो पिघल जाती है तो छूट जाते हैं, बारिश में भी वो कामयाब नहीं है। तो इसलिए मुझे ये कुछ यूनिक अच्छे लगे तो मैंने ये लगवाए हैं इसलिए। अरे इसके कि कैसा ये जलता है, कैसे ये दिखते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं चलते हुए जब इनको जलाते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप दी हुई है वो एक एरो की शेप दी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जला के कैसे दिखते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह के दिख रहे हैं जलते हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। जब रोड पे चलती है तो और भी अच्छे लगते हैं दूर से देखने में, क्योंकि एरो पूरा दिखता है एकदम और अच्छे लगते हैं। अब दिखाता हूँ इसको थोड़ा फ्रंट से कैसे लगते हैं दोनों जलते हुए, ये देखो अभी धूप काफ़ी तेज़ है तो इसलिए कम दिख रहे हैं, बाकी नाइट में ये काफ़ी अच्छा दिखते हैं, काफ़ी ब्राइट दिखते हैं तो इनको देखने में काफ़ी मज़ा आता है। बात करें इनकी रिलायबिलिटी के बारे में तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये देखो टूटते नहीं है चाहे कितना भी मोड़ दो इन्हें, ये चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि कई बार बाहर खड़ी कर देते हैं तो काफ़ी बच्चे छेड़ते हैं, कभी कभी तोड़ देते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों मैंने इसके इंडिकेटर के फ़ायदे तो बता दिए, लेकिन इसके नुकसान भी हैं काफ़ी, कि ये चाइनीज़ पार्ट है तो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है सिर्फ लगाए हुए और देखो इसकी काफ़ी जो बल्ब है वो ख़राब हो चुके हैं यहाँ से LED। तो ये नुकसान भी हैं इसके, तो अगर आप लगवाओ तो थोड़े अच्छी क्वालिटी के लगवाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनके ख़राब होने का जो रीज़न वो ये था कि जब मैंने इसको वॉशिंग के लिए दिया डिटेलिंग के लिए तो इस पर प्रेशर पड़ा जो पानी का, उसकी वजह से ये ख़राब हो गए काफ़ी जल्दी। दोनों इंडिकेटर ही ख़राब हो गए, पीछे की इसकी भी काफ़ी कम जल रही है, साइड से बंद है यहाँ से, तो ये नुकसान है छोटे छोटे इसके। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम अपने छठे पार्ट की। जो मैंने लगवाया वो है फ्रेम स्लाइडर। तो इसका जो मेन काम होता है वो साइड की जो ये फेयरिंग है जितनी भी प्लास्टिक की, इनको कवर करने के लिए होता है ताकि अगर गिरे तो इनको प्रोटेक्ट कर ले अच्छे से, इस पर कोई स्क्रैच ना लगे, बाइक में कोई नुकसान ना हो। बाकी देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैंने अपनी बाइक की मैचिंग के लगवाए हैं ब्लू कलर के, और इसमें काफ़ी कलर के आते हैं और भी, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पांचवे पार्ट की। जो मैंने इसमें लगवाया हुआ है वो है मोबाइल होल्डर, और ये मैंने लगवाया हुआ है मोटो वॉल्व का, और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हमें मोबाइल चार्जर भी दिया हुआ है जो काफ़ी फास्ट चार्ज करता है। इसमें एक सिंपल भी आता है, उसमें चार्जिंग का पॉइंट नहीं होता, बाकी ये देखने में भी काफ़ी अच्छा, और इसको यहाँ से लूज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी वाइड हो जाता है, और साइड में रबड़ वगैरह भी दी हुई है काफ़ी ताकि फ़ोन में आपके स्क्रैच ना लगे। ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है इसकी और वैसे भी टाइट है, काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो है टेल टैडी। ये टेल टैडी एडजस्टेबल है और विद LED है, LED आप देख सकते हो अभी कम दिखेगी लेकिन रात में ये काफ़ी अच्छी दिखती है देखने में। और ये जो टेल टाइडी है ये एडजस्टेबल टेल टाइडी है, अभी मैंने इसको बिल्कुल ऊपर सेट किया हुआ है, बिल्कुल गैप नहीं, बिल्कुल ऊपर करा हुआ है, बाकी आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसको लगाने के बाद जो पीछे की लुक आती है वो काफ़ी बेहतरीन लगती है,
मैंने जो इसके पीछे मडगार्ड थे वो सारे हटाए हुए हैं, क्योंकि मुझे वो लुक वाइज अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल। और इसको लगाने के बाद जो पीछे से लुक आती है, टायर काफ़ी वाइड दिखता है, मोटा दिखता है, और लुक बहुत अच्छी लगती है चलते हुए भी रोड पे बाइक। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ पेंट जॉब की, जो मैंने अलग से पेंट कराए हुए हैं। पहले बात करते हैं इंजन बैली की। ये जो कंपनी देती है बिल्कुल ब्लैक देती है, बिल्कुल मैट ब्लैक में होता है, कोई पेंट नहीं होता उस पर। ये मैंने कराया है ब्लू अलग से, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेंट कराया है, जो बिल्कुल बाइक से मैच हो गया। और सेकंड पार्ट जो मैंने वो पेंट कराया है वो है मडगार्ड। मडगार्ड भी इसका बिल्कुल ब्लैक आता कंपनी से, और इसमें जो हल्के दाने दाने से रहते हैं उसको भी भरने में काफ़ी मेहनत लगी पेंटर की भी, पर उसने काफ़ी फिनिशिंग से करा है और अच्छा पेंट किया हुआ है, इसलिए लुक इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है। और अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की, जो मैंने पेंट कराया है। काफ़ी छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसको पेंट कराने के बाद लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। वो है ये लाइट की जो ऊपर का छोटा सा पार्ट है, कवर है छोटा सा, ये भी मैंने पेंट कराया है। ये भी कंपनी ब्लैक देती है, और इसको पेंट करने के बाद लुक काफ़ी अच्छी आती है पीछे से। आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी लुक लग रही है। तो ये थी मेरी बाइक की कुछ मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाई, और जो ये सारे मैंने पार्ट परचेज़ किए हैं ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप वहाँ से जाकर अगर कुछ मेरे बाइक का जो पार्ट मैंने लगवाया वो पसंद आया तो आप वहाँ से जाकर परचेज़ भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जो मैंने अपनी बाइक वॉश करवाई थी, फॉर्म वॉश, ये मैंने करवाई थी डी एस के स्टीम कार वॉश एंड स्पा। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लोकेशन। और जो वहाँ के ऑनर हैं उनका नाम है देवेंद्र खटाना, उनका जो फ़ोन नंबर है वो स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा नंबर को, आप वहाँ पर जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई बहुत अच्छे भाई हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, आप जाकर एक बार ज़रूर मिलें। तो दोस्तों अब आप इंजॉय करो कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और ड्रोन शॉट्स।